ओके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलिए जी। हाँ, सो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास हमारा ट्रांजिशन फंक्शन आता है। डॉट डॉट इज बेसिकली माय डेल, ठीक है। तो हम लोग जो है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ट्रांजिशन फंक्शन को किया जाता है, कि मैंने सपोज किया था कि आपकी ए बी सी डी जो है वो क्यू है और अल्फाबेट जो है वो आपके 01 है, ठीक है। तो उसके बेस पे हम किस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पर एक रैंडम एक डिफरेंट तरीके का एक ग्राफ क्रिएट किया गया है, ठीक है। और ये क्या है, ये बेसिकली डी एफ ए कैसे है ये हम देखेंगे। और यहाँ पे अभी नोन चीजें मुझे क्या नजर आ रही हैं। आई हैव स्टेट्स, आई हैव एन इनिशियल स्टेट ओवर हेयर, आई हैव अ फाइनल स्टेट ओवर हेयर, एंड आई हैव सम लेबल्स एंड आर्क्स जिसके ऊपर सम यू नो ट्रांजिशन आर्क्स जिसके ऊपर क्या हुआ है, लेबलिंग हुई हुई है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। सो इफ आई एम ओवर हेयर एट दिस स्टेज, ठीक है, तो मेरी मैंने ट्रांजिशन टेबल लास्ट टाइम कैसे बनाया था, इफ़ यू सी, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखी थी, तमाम आपकी स्टेट्स के नाम लिखे थे और यहाँ पर क्या लिखे थे, जो जितने आपके पॉसिबल लेबल्स हैं वो लिखे थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमारे पास स्टेट्स हैं ए बी एंड लेट्स सपोज इफ इट्स सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, ए बी सी मेंशन कर दिया, ठीक है। और जो मेरे पास इनपुट स्टेट्स हैं वो देखो पॉसिबल जो है वो मेरे पास लेबल 0 और 1 आ रहे हैं, ठीक है। तो इफ दिस इज द थिंग, तो लेट्स सपोज आई एम ओवर हियर, तो व्हाट विल हैपन इफ आई एम गोइंग टू गेट 0, मैं कहाँ पर जाऊंगी, आई एम गोइंग टू रिपीट, सेल्फ लूप लगा लिया, मैं अपनी इसी स्टेट पे रहूंगी, ठीक है। तो ये शो करवा रहा है कि इफ इफ 0 आता है तो आप कौन सी स्टेट पे होते हो, ए पे होते हो। अगर इसी स्टेट पे रहते हुए आपको 1 मिलता है तो वेयर यू आर गोइंग एट द स्टेट बी। क्या हम इससे शो करवा रहे हैं, ये सिर्फ एक ट्रांजिशन फंक्शन है जो क्या बता रहे हैं कि इफ यू हैव अ डायग्राम, ठीक है, और इफ यू हैव एन एम्प्टी टेबल और आपको ये बताना हो कि ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है और आपको ये बताना हो, सिर्फ ये बताना हो कि ट्रांजिशन करते कैसे हैं और कौन सी ट्रांजिशन कौन सा लेबल आएगा, तो उसकी बेस पे ट्रांजिशन करते हुए आप कौन सी नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर जाओगे, तो उसका ये एक काइंड ऑफ कंक्लूजन है, ठीक है। राइट नाउ हमने ये नहीं देखा कि स्टेटमेंट आई है तो डी एफ ए कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। इस डायग्राम या इस स्लाइड का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ट्रांजिशन फंक्शन के बारे में बता जाए, ठीक है। सो ये हमने पीछे देख ली थी और लास्ट टाइम हमने अपना पहला और बड़ा बेसिक सा जो है वो डी एफ ए डिजाइन किया था। हम यहाँ से अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी प्रैक्टिकल काम की, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था, इस पे सिर्फ पहले वाली रिवीजन ही करेंगे और उसके बाद हम एक्चुअल में देखना शुरू करेंगे हाउ टू डिजाइन माई डी एफ ए। तो एवरी टाइम मुझे जो है वो कोई ना कोई क्या दी होगी, स्टेटमेंट दी होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि मैं कौन सी लैंग्वेज के लिए ये डी एफ ए कंस्ट्रक्ट करना है, कि सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग जो बेसिकली कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, सो मैंने आपको बताया था कि नंबर फर्स्ट स्टेप आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फाबेट क्या है, तो वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अल्फाबेट मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि लेट्स सपोज 0 और 1 है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि इस अल्फाबेट के ऊपर आपकी लैंग्वेज किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगी। सो दिस इज योर लैंग्वेज बाय द वे, ठीक है, जो कि क्या शो करवा रही है। यहाँ पर एलिमेंट्स भी मैंने लिखा है, आगे मैं यहाँ पर लैंग्वेज का वर्ड यूज करूंगी कि इट कुड बी 0 0 0। देखो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये इनफाइनाइटली मूव करते जाएंगे, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज कौन सी कंस्ट्रक्ट होगी। और नंबर थर्ड पे मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड, कि आप जब डी एफ ए कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको सिंपलेस्ट वन के बारे में सोचना है। सिंपलेस्ट वन इस लैंग्वेज में कौन सा जो है वो स्ट्रिंग हो सकती है जो 0 से स्टार्ट हो रही है, डेफिनेटली इट वुड बी दिस थिंग जिसके अंदर खाली 0 हो रहा है। ऑफकोर्स 0 से स्टार्ट हो रही है, ये सिंपल है, ठीक है। सो अगर आप इसको सोचने लग जाओगे कि ये कैसे बनेगा या आने वाले आगे 100th एलिमेंट कैसे बनेगा, तो योर डी एफ ए कंस्ट्रक्शन वुड बी सो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस, ठीक है। एंड नेक्स्ट पे हमने क्या कहा कि जब भी हमने डी एफ ए बनाना होता है तो हमारे पास क्या होती है, एक इनिशियल स्टेट होती है जिससे हमने स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो हमने कल जो हमने लास्ट में देखी थी, तो हमने रैंडमली कौन सी इनिशियल स्टेट ले ली थी, ए ले ली थी, ठीक है। ये मैं अभी पिछला ही रिव्यू दे रही हूँ, फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड हम अपनी मेकिंग स्टार्ट करेंगे ऑन आवर व्हाइट बोर्ड, ठीक है। और अब इसमें देखो कि इफ आई गेट द इनपुट 0, अब हर स्टेट में आपको देखना होता है क्योंकि आपने किसका कंस्ट्रक्ट बना रहे हो, इसका बना रहे हो कि ये बस आपका एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो इफ आई एम गोइंग टू गेट द इनपुट 0 देन व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली, और एक ये चीज देखोगे, और इफ यू आर गोइंग टू ऑन इफ यू आर ऑन इनिशियल स्टेट लाइक ए, और अगर आपको यहाँ पे 1 इनपुट मिलती है तो फिर क्या होने जा रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, बट
राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द सिंपलेस्ट वन, सिंपलेस्ट सोल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं. तो मेरी सिर्फ इसकी फिक्र करनी है कि इफ आई एम ऑन स्टेट ए और यहाँ से अगर मुझे जीरो मिलता है तो फिर डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, आई एम डेफिनेटली गोइंग एन ऑन एन अदर स्टेट जिसको मैं क्या नाम दे रही हूँ, बी का नाम दे रही हूँ. ठीक है. अच्छा, अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि क्या ये जीरो मुझे मिल गया है, तो क्योंकि मैं तो सिर्फ इसके लिए ड्रॉ कर रही हूँ, तो क्या ये मेरी एक्सेप्ट हो जानी चाहिए? यस, इट शुड गेट एक्सेप्टेड, क्योंकि जब भी मुझे इनपुट जीरो मिले जो कि सिर्फ जीरो को एक्सेप्ट करती हो और यहाँ पर जीरो मिलता है, तो ये बस मेरा एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए यहाँ पे. तो एनीथिंग अगर मुझे एक्सेप्ट करवाना है तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, डबल सर्कल बना दूँ. ठीक है ना. वाई इज दैट? बिकॉज मैं एक ऐसा डीएफए डिजाइन कर रही हूँ जो कि तमाम वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने जा रहा है जो कि जीरो से स्टार्ट होता है. ठीक है. तो और उसके लिए मैंने सिंपलेस्ट वन जो चूज किया वो जीरो ही खुद था. तो अगर मुझे जीरो यहाँ पर मिलता है तो ये क्या एक्सेप्ट हो जाना चाहिए? तो यस ही एक्सेप्ट हो जाना चाहिए. ठीक है. अच्छा, नाउ द सेकेंड थिंग, मैंने इसको फाइनल क्यों बनाया ये भी आपको पता लग गया है. ठीक है. इसको बी को मैंने फाइनल बनाया, उसकी रीजन ये है कि वेन एवर अ स्ट्रिंग रीचेज द फाइनल स्टेट, इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए. तो जीरो मुझे मिल गया और यहाँ पे इसको फाइनल बनाने का मतलब था कि आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दैट स्ट्रिंग. ठीक है. और जब भी कोई स्ट्रिंग फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचती तो इसका मतलब कि वो आपके रिजेक्टेड है, ये मैंने पहले ही बता दिया. जीरो क्यों एक्सेप्ट है? क्योंकि ये फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है और एनीथिंग जो आपकी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचेगी वो आपकी रिजेक्ट होती जाएगी. ठीक है. सो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, इट शुड रीच द फाइनल स्टेट एंड देन बाय, बिकॉज इट शुड गेट एक्सेप्टेड. ठीक है. क्योंकि यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें जीरो से स्टार्ट करना है. अच्छा, अब मुझे क्या करना है? मुझे सिंपली ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो आई एम ऑन बी स्टेट. ठीक है. तो बी स्टेट पे अब क्या होगा? ठीक है. अब क्या होना चाहिए? अब मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या थी? एनी स्ट्रिंग, एनी इनपुट स्ट्रिंग जो आपके पास आए, क्योंकि हमने तो सिंपलर से शुरू की थी, वो स्टार्ट किससे होनी चाहिए? जीरो से शुरू होनी चाहिए. तो अगर ये स्ट्रिंग हमने इनपुट दिया है तो क्या जीरो से हम ऑन स्टेट ए हैं? जीरो से के बाद हम कहाँ पर गए? बी पे गए. तो ये एक्सेप्ट हो गई. यस, क्योंकि रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरी हो गई. तो हम ये नहीं कह सकते, अगर हम इसको खाली छोड़ देंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके बाद कुछ नहीं आना चाहिए. नो, रिक्वायरमेंट वॉज दिस के जीरो से स्टार्ट हो, बाकी जो मर्जी आए. तो डेफिनेटली हम यहाँ पर सेल्फ लूप लगाएंगे. ठीक है. सेल्फ लूप फाइनल ही पे रहेगी. क्यों? क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई कि ये जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए, उसके बाद जो मर्जी आए, वन आए, जीरो आए, वी डोंट केयर. ठीक है. हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई. सो नाउ वी आर गोइंग टू सेल्फ लूप ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेट जिसपे क्या आएगा, जीरो और वन, कुछ भी आ सकता है. ओवर हेयर ये हमारी फाइनल स्टेट पे ही रहेगी. नाउ जस्ट सी, क्या मेरा डीएफए कंप्लीट हो गया? नो, इट्स नॉट कंप्लीटेड. व्हाई? क्योंकि हमने अपने ए के लिए जीरो की जो लेबल है वो तो मेंशन कर दिया, लेकिन हमने क्या मेंशन नहीं किया कि अगर ए पे यानी कि स्टार्टिंग में मुझे इनपुट क्या मिल जाए? वन. ठीक है. तो अब ये देखो, अगर इस स्टेट पे मुझे वन मिलता है तो क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट ही ये नहीं थी. ठीक है. कि ऐसी स्ट्रिंग, अगर हम कहते हैं कि ऐसी स्ट्रिंग आए जो वन से शुरू हो तब तो हम एक्सेप्ट कर लेते, बट राइट नाउ हमें क्या, कौन सी एक्सेप्ट करनी है? जीरो से. तो हम ऑलरेडी एक्सेप्ट करवा चुके हैं और बना चुके हैं. तो उसका मैंने आपको तरीका बताया था जो कि आगे हम यूज करेंगे परफेक्टली. उसका मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको सम टाइम स्टार्टिंग में, ठीक है, जब आपको स्टार्टिंग की चीजें डील करनी होती हैं, और क्योंकि स्टार्ट में तो अगर आप कोई गलत पे आ जाओ तो फिर तो आपका पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा ना. तो यहाँ पर आप उसको एक टेम्परेरी स्टेट पे डाल सकते हो, जिसको लेट सपोज मैंने सी का नाम दे दिया है. कब? ऑन द ऑन वन. ठीक है. तो यहाँ पर अब जाहिर है सी स्टेट को भी मुझे लेबल करना है, तो यहाँ पे मैं सेल्फ लूप लगा दूंगी जीरो वन, कि अल्टीमेटली इफ आई एम गोइंग टू गेट एनी इनपुट पहली जो कि वन से शुरू हो रही है, लाइक दिस वन जीरो जीरो और एनीथिंग, चाहे आगे जितने मर्जी जीरो आ जाए, वी डोंट केयर. ठीक है. तो क्योंकि स्टार्ट हमारी वो जीरो से नहीं हो रही, तो वी हैव सेंड इट ओवर आवर टेम्परेरी स्टेट, जिसको मैं ट्रैप स्टेट कहती हूँ, डेड स्टेट कहती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ. ठीक है. एक दफा आप यहाँ ये इसको डेड स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे आने का तो रास्ता है, लेकिन इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है. एक ये चीज जरा फैंसी लाइन हो गई. ठीक है. अदरवाइज हम उसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या बोलते हैं, कि ऐसी स्टेट जिसका रास्ता फाइनल स्टेट तक ना पहुंचता हो उसको हम डेड स्टेट कह देते हैं. आपने फैंसी चीज याद रखनी है तो सिंपली आप ये याद रखें कि जिसपे जाने का तो रास्ता है, लेकिन वहां से वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं है. ठीक है. तो ये फाइनल, और जो चीज आपकी फाइनल तक नहीं पहुंची, इट मीन्स कि वो क्या हो गई, आपकी रिजेक्ट हो गई है.
ठीक है। सो मैंने आपको लास्ट टाइम इसको पूरा करके दिखाया था, बट अभी जो है वो हम इसको रिपीट बहुत ज्यादा वैसे नहीं करेंगे, उसकी रीजन ये है कि वी नीड टू मूव फर्दर। ओके, सो अगर हम अपना नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज द वेरी नाइस। ओके, यहाँ से हमारा प्रैक्टिकली आज की हमारी न्यू चीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि मैंने आगे आपको डिफरेंट एग्जांपल्स आपके लिए रखी हुई हैं डीएफए ही डिजाइनिंग की, और अगर हम आज ये नहीं कर पाए तो इसका मतलब कि हमने एक बड़ी मेजर चीज निकाल दी। सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाती है, मीन्स आपने अपना आधा काम कर लिया। वो आपको यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए क्या लिखा हुआ है, एमडीएफए, ठीक है। ये अब आपके लिए एक न्यू चीज है मैंने, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। वो कहते हैं एक ऐसा डिजाइन करो एमडीएफए। अब यहाँ पे आप कहोगे एमडीएफए क्या है, क्या ये कोई न्यू टाइप है? नो, इट्स नॉट अ न्यू टाइप। डीएफए इज योर वही पुराना डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एम लेटर साथ लगाने का मतलब है मिनिमल, ठीक है। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में या फिर जो आपके पास पेपर्स मैंने देखे हैं तो उसके अंदर सम हाउ एम का लेटर भी किसी किसी क्वेश्चन में यूज हुआ हुआ है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है एमडीएफए, लेकिन ये कोई न्यू टाइप नहीं है, इसका जस्ट मतलब है मिनिमल डीएफए, ठीक है। मिनिमल का मतलब है कि आप देखो ना, अगर मैं आपको सिंपल सी एक चीज समझाऊं तो एक प्रॉब्लम का सलूशन एक लंबा खासा सलूशन भी हो सकता है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम का सलूशन इतना सिंपल भी हो सकता है कि आप उसको फटाफट कुछ ही लम्हों में खत्म कर दो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपकी बेस्ट अप्रोच वही होगी जो आपकी मिनिमल कॉस्ट लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप डीएफए लंबा भी बना सकते हो, ठीक है, बट सम हाउ रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जो सिचुएशन चाहिए उसमें आप मिनिमल बनाएं, यानी कि कम से कम स्टेट्स, जितनी मिनिमाइज स्टेट्स को यूज करते हुए आप अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं उतनी मिनिमाइज आप करें। तो इट्स नॉट अ स्पेशल काइंड ऑफ टाइप, इट्स जस्ट अ सिंपल एमएफटीए। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप इसको सिर्फ डीएफए ही पढ़ें। जो देखने की चीज है कि वो हमने किसके ऊपर काम करना है, दो सिंबल्स के ऊपर काम करना है जो कि आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आप एक ऐसा डीएफए डिजाइन करें जो कि इन अल्फाबेट्स के ऊपर बेस करता हो, और इस तरीके से आप डीएफए डिजाइनिंग हो कि एवरी स्ट्रिंग, आपकी तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जो कि किससे स्टार्ट होती हो, सब स्ट्रिंग डब्ल्यू। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैंने जान के इसी तरीके से आपके लिए लिखवाया, ठीक है। अच्छा, सब स्ट्रिंग डब्ल्यू का मतलब है कि कुछ भी आ सकता है। यहाँ उसने आपको बताया कि वेयर डब्ल्यू इज इक्वल टू ए। तो अगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंप्लीफाई करें तो वो ये बात कह रहे हैं कि भाई आपके पास अल्फाबेट ये है, इसकी बेस पर आप एक ऐसा डीएफए डिजाइन करो जो कि तमाम स्ट्रिंग्स जो है इससे रिलेटेड एक्सेप्ट कर सकता हो, ठीक है। और सिंपल सी कंडीशन क्या है कि स्टार्ट बस कहाँ से होना चाहिए, ए से। जिस तरह अभी मैंने पिछला बनाया ना, जो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, जीरो, ये थोड़ा सा चेंज हो गया कि स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, ए। तो अगेन वही मैंने आपको क्या सिखाया है कि सबसे पहले आपका स्टेप नंबर वन क्या होना चाहिए। आपने ये तो देख लिया ना कि अल्फाबेट ए बी है, चलो ठीक है। सर, स्टेप नंबर वन में आपने क्या देखना है कि आप सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज क्रिएट कर लो, ठीक है, कि आपकी इससे लैंग्वेज किस किस तरीके से बन सकती है, ठीक है। ए से स्टार्ट होने वालों में डेफिनेटली आपके पास ए भी आ जाएगा, लैंग्वेज जो इसकी क्रिएट होगी, ए बी भी आ सकता है, डबल ए भी आ सकता है, ट्रिपल ए भी आ सकता है, कोई भी आप इससे कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लो, सारे एक्सेप्ट होंगे। सिर्फ शर्त ये होनी चाहिए कि पहला कैरेक्टर क्या हो, ए हो, ठीक है। अब हमारे पास बारी आती है, जब हमने लैंग्वेज इसकी क्रिएट कर ली, अब हमारे पास जो स्टेप नंबर टू में बारी आती है कि हमने डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया है कि मशीन बनाने से, अच्छा, सबसे पहले तो स्टेप क्या था कि आपने ये देख लिया कि आपके जो अल्फाबेट हैं, ठीक है, वो सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए जो कि अल्फाबेट ए बी पे कंसिस्ट करता हो और जो ए से स्टार्ट होता हो, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि मैंने आपको कहा कि मशीन बनाने से पहले ना आप लाजमी अपनी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है कि आपने लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया हो, ये। और नंबर थर्ड पे मैंने आपको ये कहा कि आपने अपने जो डीएफए है वो किसको देखते हुए कंस्ट्रक्ट करना है, मोस्ट सिंपलेस्ट वन, उसको देखते हुए आपने अपना डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है। आपने किसी मुश्किल चीज के बारे में नहीं सोचना, सिंपलेस्ट वन को देखें और उसका डीएफए आप कंस्ट्रक्ट करें। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका डीएफए बड़े आराम से क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके लिए अब हम जाते हैं एक्चुअल में अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ ताकि हम क्लियरली चीजों को देख सकें। और लेट्स सपोज इफ दिस इज माई व्हाइट बोर्ड, ओके, मैं इसको आपके पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे मूव कर देती हूँ, ओवर हियर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे स्टेप नंबर वन हमारे पास क्या आएगा,
लाइक इट्स मतलब मेरी कंस्ट्रक्शन का स्टेप नंबर वन, ठीक है, मैंने क्या करना है, अपना इनिशियल स्टेट बनाया. तो तमाम हम किसको फोकस करें कि मेरा ए एक्सेप्ट हो सके. तो लेट सपोज क्यू नॉट वुड बी माई स्टेट, ओके, एंड चलो इसको हम सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन क्यू नॉट वुड बी माई स्टेट, ठीक है जी. एंड देन ओवर हेयर हम, ये क्या है, मेरी इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर मुझे सिर्फ ए एक्सेप्ट करवाना है, तो डेफिनेटली मैं ये देख रही हूँ कि क्यू नॉट से वेन आई एम गोइंग टू पास द ए, तो फिर मेरे पास क्या होगा, फिर मेरे पास क्या होना चाहिए, एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए जो कि ये एक्सेप्ट कर ले, ठीक है. लेट सपोज आई एम गोइंग टू गिव इट अ डबल लाइन, और ये क्या हो जाएगी, मेरी क्यू वन हो जाएगी. नाउ अब ये क्या है, स्टेट चेंज करना बेसिकली, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बताते जाऊँ, ये जो हम स्टेट चेंज कर रहे हैं ये बेसिकली क्या है, आपका मेमोरी का कॉन्सेप्ट है. अगर हम क्यू वन पे हैं, लाइक ओवर हेयर हम यहाँ पर हैं, और स्टार्टिंग में हम क्यू वन, आपने ये देखना है कि स्टार्टिंग में आप क्यू वन पे किस चीज से होते हुए आयो, सो आई वाज टेलिंग यू कि अगर हम क्यू वन पे हैं ओवर हेयर, हम यहाँ पर हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग हमने ये देखना है कि यहाँ पर क्यू वन से हम कहाँ से होते हुए आए, ठीक है, यहाँ पे जब यहाँ से वहां जाने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ए मिला तो हम यहाँ से होकर आए, तो ये क्यू वन क्या है मेरे लिए, एक मेमोरी का कॉन्सेप्ट है कि ओके ठीक है, अगर मैं क्यू वन पे, इट मीन्स कि मेरे पास क्या आ चुका हुआ है, ए आ चुका हुआ है मेरे सिस्टम में, ठीक है. अच्छा, अब क्या ये स्मॉल एक्सेप्टेबल है, क्वेश्चन इज दिस, हाँ जी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने इसी के लिए तो अपना मशीन बनाया, दैट्स व्हाई मैंने इसको क्या कर दिया, डबल सर्कल बना दिया, मींस कि व्हाट आई एम सेइंग कि ये क्या बन गई, मेरी फाइनल स्टेट बन गई, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर ए के बाद कोई और रिस्ट्रिक्शन है कि और कुछ आए, नहीं, हमारी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ये थी कि सिर्फ ए से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद चाहे बी आता है या चाहे मेरे पास दोबारा ए आता है, इट कुड बी एनीथिंग, मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है. ओके, सो समहाउ अगर ए के बाद ए आए या दोबारा बी आए तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो स्टेट, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, स्टेट कब चेंज करते हैं, जब हमें कुछ याद करना हो, ठीक है, हमें, बट हमें तो बाद वाली चीजें इंपॉर्टेंट नहीं रखती, ठीक है. मेरे लिए इंपॉर्टेंस क्या थी, ए इंपॉर्टेंट रखती थी, इंपॉर्टेंस रखती थी, ठीक है, बट आई डोंट केयर कि उसके बाद क्या आए, तो जब मुझे बाद की चीजों की परवाह ना हो तो फिर हम क्या कर लेते हैं, उसके ऊपर सेल्फ लूप लगा लेते हैं, ठीक है. तो ओवर हेयर मैंने क्या लगा दिया, एक सेल्फ लूप लगा दिया बेसिकली, ठीक है, जो क्या एक्सेप्ट करता था, चाहे उसके बाद दोबारा ए आए या चाहे उसके बाद बी आए, वी डोंट केयर, ठीक है जी. अच्छा, तो अब बताइए कि क्या ये दूसरा क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछेंगे, क्या ये सिस्टम कंप्लीट है, योर आंसर वुड बी नो. व्हाई, डीएफए बनाने के लिए सिस्टम का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, मतलब कि ध्यान से सुना, हर एक स्ट्रिंग पे रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, हर एक स्टेट पे, यानी कि इफ आई एम अ क्यू डॉट, तो मेरे पास कौन कौन सी स्ट्रिंग है, मेरे पास ए भी आ सकती है, बी भी आ सकती है, तो हर स्टेट पे आपने हर स्ट्रिंग को रिस्पॉन्ड लाजमी करना है, फिर चाहे वो, ध्यान से सुनो, फिर चाहे वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो या ना हो, वी डोंट केयर, ठीक है. अच्छा, सो अब फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि मेरी कंडीशन क्या थी कि भाई ए से स्टार्ट होना चाहिए, व्हाट इफ अगर मेरे पास कोई ऐसी आ जाती है, ये तो अल्फाबेट के मुताबिक तो है लेकिन कंडीशन से मैच नहीं करती क्योंकि ये बी से स्टार्ट हो रही है, तो वेयर इज माई इनिशियल स्टेट, मैंने यहाँ पर अपना ए को तो हैंडल कर दिया बट मैंने बी को हैंडल नहीं किया, सो व्हाट इफ अगर ये बी से स्टार्ट हो, तो राइट नाउ स्टार्टिंग मैटर करती है, तो मुझे बी से स्टार्ट होने वाली तमाम चीजों को कहाँ पे भिजवा देना है, डेड स्टेट पे, ठीक है. लेट सपोज इफ आई एम गोइंग टू मार्क दिस एज अ क्यू टू एंड दिस विल एक्ट एज माई डेड स्टेट, ठीक है, वे फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकती, डेड स्टेट कौन सी होगी जो फाइनल स्टेट पे से उसका रास्ता ना निकलता हो, ठीक है. अच्छा, किसी स्टेट पे किसी सिंबल के लिए मल्टीपल ट्रांजिशन नहीं होने चाहिए, ये आप देख लेना, ये बाद में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. और दूसरा, ये इसके अंदर आप ये जरूर याद रखना कि आपका डीएफए क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए,
ठीक है, ये वाली चीज। तो अभी हमने सिंपली अगर इसका ओवरव्यू लें तो व्हाट वी हैव डन, हमने सिर्फ किस चीज को डील की है, ऐसी तमाम स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट होती हूँ उसके लिए मैंने अपनी इनिशियल स्टेट रखी और सिंपलेस्ट वन को मैंने सॉल्व किया और सिंपलेस्ट वन मैंने अपनी क्यू वन को भेजी और क्या ये एक्सेप्टेबल थी, यस थी, हमने इसको क्या बना दिया, फाइनल स्टेट बना दिया, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या इसकी परवाह है कि ए के बाद क्या है, नो। तो इसके बाद हमने जब हमें बाद की चीजों की इंपॉर्टेंस ना देनी हो तो हम सेल्फ लूप लगा देते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद हमने हर स्टेट पे हर सिंबल को रिस्पांस देना होता है, तो हमने ए का तो दे दिया था लेकिन यहाँ पर हमने किसका नहीं दिया था, बी का नहीं दिया था, तो बी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं थी, चाहे उसके बाद मेरे पास जितने मर्जी ए आ जाए, तो डैट्स व्हाई मैंने इसको क्या भेज दिया, एक किस में भेज दिया, डेड स्टेट में भेज दिया। नाउ क्वेश्चन इज दिस के नाउ ये कंप्लीट है, देखो क्यू नॉट ए और बी दोनों को देख रहा है, क्यू वन भी जो है वो किसको देख रहा है, आपके ए और बी दोनों को देख रहा है, बट क्यू टू के अंदर कुछ नहीं है। सो एनीथिंग जो बी से स्टार्ट हो उसके बाद चाहे ए की कितनी मर्जी सीरीज आ जाए या बी की जितनी मर्जी सीरीज आ जाए, वी डोंट केयर, वो चीज कभी एक्सेप्ट होगी ही नहीं। तो हम क्यू टू पे, जब क्यू टू पे आए तो हम क्या करेंगे, यही कि यही रहे, ये यहाँ से आने का तो रास्ता है बट कभी हम निकल नहीं सकते, तो मे बी सिस्टम जो है वो चलते चलते खुद ही हॉल्ट हो जाए जब यहाँ पर स्ट्रिंग खत्म, ठीक है। और इसका हम फाइनल स्टेट पे कोई रास्ता नहीं बनाएंगे, वाई, क्योंकि वी नीड ओनली दो स्ट्रिंग्स टू बी एक्सेप्टेड जो सिर्फ ए से स्टार्ट हो और बी वन से जिनका रास्ता ना बनता हो, ठीक है जी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वी आर गोइंग टू डिजाइन अ MDFA जो किसके ऊपर बनानी है, हमने अपनी इसी बेसिकली लैंग्वेज के ऊपर बनानी है, सॉरी अल्फाबेट के ऊपर। और वो कहते हैं कि तमाम वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जो किस से स्टार्ट हो, सब स्ट्रिंग W से स्टार्ट हो, ठीक है। अच्छा, अब सब स्ट्रिंग W क्या है, फिर उसने कहा है कि अब उसने दो दे दिए आपके कि BA से लाजमी स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद चाहे जौन सा मर्जी सीक्वेंस आए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो What is your step number one? I always taught you, मैं बार बार repeat इसलिए कर रही हूँ कि आपको याद हो जाए। Step number one is your language making. Just do the language making. ठीक है, प्रोसीजर। सो somehow ऐसी स्ट्रिंग जो बी ए से शुरू होती है उसे आप कौन कौन सी लैंग्वेज बना सकते हो, बी ए खुद एक खुद आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्टिंग है, बी ए शुरू हो रही है, फिर बी ए ए आ जाएगी, फिर बी ए बी आ सकती है, इसी तरीके से डिफरेंट आप टू सॉन योर एलिमेंट्स आपके आ सकते हैं इस लैंग्वेज में, जो मर्जी आप एक्सेप्ट करवा लें। शर्त सिर्फ इतनी है कि बी ए से स्टार्ट होना चाहिए। सो द थिंग इज दिस कि क्या हम कॉम्प्लेक्स वन की तरफ जाएं, नो। मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे तो यू हैव टू सी द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है, BA। सो दो ही सिंबल्स हैं हमारे पास अल्फाबेट में जो कि ए बी था, ठीक है, और स्मॉलेस्ट वन हमने BA को चूज कर लिया क्योंकि कंडीशन थी कि आपका BA से क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज मैं दोबारा रिपीट करूंगी, अगर मैं आपसे पूछूं आगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा या DFA जो है वो कैसे याद रखता है कि मैं इस टाइम कौन से स्टेट पे हूं, तो वो आपको, या मैंने इस टाइम BA रीड कर लिया है नहीं किया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए कि स्टेट चेंज करके ये क्या करता है, याद रखता है, ठीक है, ये दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर। तो लेट्स सपोज के अब हम जो है वो अपनी सिंपलेस्ट चीज बनाते हैं, ठीक है, लेट्स मूव टू आवर वाइट बोर्ड ओवर हियर। अब हमने क्या किया है भाई, हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि हमें ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है जो कि बी ए को एटलीस्ट एक्सेप्ट कर सके, हमने सिंपलेस्ट वन चूज की, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक अपनी स्टार्टिंग स्टेट बना लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम क्या रखते हैं, क्यू नोट रख देते हैं, ये स्टार्टिंग है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे एक्सेप्ट करेगी, इसके अंदर ये सबसे पहले उसको क्या एक्सेप्ट करना है, बी एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्टेंस कैसे होगी, कैसे याद रखेगा कि मैंने बी कर लिया स्टेट चेंज करके, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू मेक क्यू वन ओवर हेयर, ठीक है, क्यू वन ओवर हेयर, और ये किसको रीड करते हुए आया है, बी को रीड करते हुए आया है। तो मैंने कहा मैं इनिशियल स्टेट पे जब बी रीड करूं तो मैं कहां पहुंच जाऊं, क्यू वन पे पहुंच जाऊं। नेक्स्ट, अब क्या ये एक्सेप्टेबल है, नो, जब तक मैं दोबारा ए को नहीं करूंगी तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फ्रॉम क्यू वन व्हाट आई नीड टू डू, मुझे एक और अपनी ट्रांजिशन बनानी है जो कि मुझे एक और स्टेट पे ले जाए, जिसको मैं क्या कहूँ, अपना क्यू टू का नाम दे दूं, ठीक है, दैट्स माई स्टेट टू। और ये यहाँ पे मैं क्यों क्या आई हूँ, ए को रीड करते हुए आई हूँ। सो नाउ सी कि क्या ये एक्सेप्टेबल है, यस ये एक्सेप्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये मेरी बी को रीड कर रहा है और ये किसको रीड कर रहा है, मेरे ए को रीड कर रहा है। तो इफ एनी थिंग इज एक्सेप्टेबल, तो वट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना है, मुझे उसको डबल सर्कल बना देना,
ठीक है, ये मेरे ये क्या शो करवा रही है, शो करवा रही है कि आपकी ये वाली जो स्ट्रिंग है यार ये अब तक क्या हो चुकी हुई है, एक्सेप्ट हो चुकी हुई है, ठीक है। नाउ व्हाट्स द सेकंड स्टेप, मुझे अपना डीएफए को कंप्लीट करना है। डीएफए कंप्लीट कैसे होगा कि मुझे हर रिस्पॉन्स को टैकल करना है, ठीक है, हर रिस्पॉन्स को हर स्टेट पे। तो सबसे पहले हम अपनी फाइनल को ही देख लेते हैं। हम यहाँ पर अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं इसका मतलब कि मुझे अपनी स्ट्रिंग का बी और ए मिल चुका है, मीन्स कि मुझे स्टार्टिंग मिल चुका है। अब उसके बाद चाहे ए आता है या चाहे बी आ जाता है, जैसे बी ए ए आ जाता है या फिर बी ए बी आ जाता है, वी डोंट केयर, क्योंकि हम यहाँ पर अगर पहुंच गए हैं तो हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हुए आए। तो इसके बाद चाहे कुछ भी आए हमें उससे मसला नहीं है। तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, सेल्फ लूप लगा देंगे ये ए बी, ठीक है। अगेन हर स्टेट पर हर सिंबल के लिए ट्रांजिशन जब तक ना हो तो आपका डीएफए कंप्लीट नहीं होता। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास क्यू नॉट किसको एक्सेप्ट कर रही है, बी को तो एक्सेप्ट कर रही है, व्हाट इफ अगर हम ए से शुरू हो, ठीक है। जैसे हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रिंग आ जाए जो ए से शुरू होती है और फिर उसके बाद हमारे पास चाहे बी ए आता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, ए से शुरू होना। तो जब तक हम ए से शुरू होते हैं तो तमाम स्ट्रिंग्स हमारी क्या हो जानी चाहिए, वेस्ट हो जानी चाहिए, एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो शुरू में हम क्या करते हैं, ऐसी तमाम स्टेट्स के लिए हम अपनी डेड स्टेट्स को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, कि जो हमने एक्सेप्ट नहीं करवानी होती उनके लिए हम डेड स्टेट बना देते हैं। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू आस्क से दिस Q3, यहाँ पर हम Q3 पे किस क्यू कैसे आए अगर मेरे पास ए आ गया, ठीक है, और फिर चाहे ए आ गया उसके बाद चाहे लाख बी ए आता रहे या कोई भी और चीज आती रहे, वी डोंट केयर, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर एक सेल्फ लूप लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हर स्टेट ने हर रिस्पांस को टैकल करना होता है, डैट इज ए बी। सिमिलरली अगर आप Q1 पे हैं, विच मीन्स कि आप Q1 पे कैसे आए हो, जब आप बी को कम्प्लीट करते हुए आ गए हो, ठीक है, आपको पहली चीज अपनी मिल गई है, डैट इज योर बी, ठीक है। अब दूसरी क्या मिलनी है, ए मिलना है, ए मिलेगी तो आप फाइनल पे जाओगे, बट माइट बी इट्स पॉसिबिलिटी कि Q1 पे आपको दोबारा बी मिल जाता है, तो क्या ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, नो, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग क्या चाहिए, बी ए। तो सिमिलरली इस Q1 से भी मैं एक ट्रांजिशन निकालूं तो ऑलरेडी मेरे पास एक डेड स्टेट बनी हुई है, तो मैंने उसको अब उसका मूव जो है वो कहाँ पे करवा दिया, अपनी डेड स्टेट पे करवा दिया, ठीक है। दैट्स सो सिंपल, ये क्या था, ये बेसिकली आपका सेपरेट का था। अच्छा, अब दोबारा देखिए क्या ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा, हर स्टेट पे हर सिंबल के लिए रिस्पॉन्स करना जरूरी है, ठीक है, तो वो आपने किया हुआ, तो नाउ इट्स योर कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल वुड बी लाइक दिस, के वट इफ ये हम तेजी से गुजारेंगे, ठीक है। वट इफ मुझे एक ऐसा मिनिमल डीएफए तैयार करना है जो कि किस अल्फाबेट पे हो, ए बी अल्फाबेट पे हो, और क्या कहता है कि हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे जो कि किससे स्टार्ट हो, आपकी सब स्ट्रिंग डब्ल्यू से स्टार्ट हो, ठीक है। तो अब उसने डब्ल्यू को मजीद कॉम्प्लेक्स कर दिया है, अब आपके पास खाली ए नहीं है, खाली बी नहीं है, इट्स ए बी बी है, ठीक है। तो अगेन आई विल लीव टू ओवर हेयर, ये आपका होमवर्क है यहाँ पर, ठीक है, कि आपने मुझे अपना ये पहले अभी आपने नोट करना है, अगर अभी याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, व्हेन यू आर गोइंग टू सी दिस रिकॉर्डिंग अगेन तो आपको ये मुझे बताना है, ठीक है। सो ये वाला आंसर आप मुझे बाद में कमेंट में भी दे सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर इसकी लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है। तो बहरहाल जितनी भी इसकी लैंग्वेज बनेगी, हमने सिंपलेस्ट वन को देखना है क्योंकि स्टार्टिंग है, ठीक है, तो हमने सिंपलेस्ट वन को देखना है, और सिंपलेस्ट वन हमारा खुद ये ए बी बी ही बनेगा, ठीक है। सो हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन दिस, अब ये मैं फटाफट करूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। ए बी बी को मुझे एक्सेप्ट करना है, दैट्स माय सिंपलेस्ट वन, ठीक है। तो इसको अब आप लोग मुझे साथ में अपने अपने तौर पर गाइड करो, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी पहली स्टेट बना देंगे, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देंगे, क्यू नॉट का नाम देंगे, दिस वुड बी आवर इनिशियल स्टेट। हमने यहाँ से क्या जाना है, ए को एक्सेप्ट करना है, ऐसी मशीन जो ए को एक्सेप्ट करे, ठीक है, और एक को एक्सेप्ट करते हुए वो क्या आ जाए, कहाँ पर आ जाए, Q1 पे आ जाए, ठीक है। Q1 पे हमने ए को एक्सेप्ट किया है, विच मीन्स कि हमारी पहली चीज कंप्लीट हो गई। नाउ इट्स कंप्लीट, नो, स्टिल वी नीड कि हमारा डीएफए ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे जो कि बी बी लेती हो ए के बाद। तो फर्स्ट, फिर सेकेंड मोस्ट क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, लेट सपोज आई एम गोइंग टू से दिस एज अ क्यू टू, और फिर एक थर्ड वन भी आनी चाहिए जो कि सिंपल क्या हो, बी यू. तो यू सी कितना सिंपल है आपके डी एफ ए को क्रिएट करना, ठीक है, कि आप क्या दे रहे हो, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, क्यू थ्री. सो नाउ यू हैव टू अगेन वही चीज, क्या ये आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, येस ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, एनी थिंग जो एक्सेप्ट हो उसको आप क्या कर दो, अपनी फाइनल स्टेट बना दो ताकि आप उसको शो करवा सको कि ओके इट्स एक्सेप्टेड. सो नाउ ए बी बी के बाद कुछ भी आए वी डोंट केयर, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग कंडीशन थी और वो हम फुलफिल कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर सेल्फ लूप लगा देंगे. नाउ इट्स अ डी एफ ए कम्प्लीट, नो इट्स नॉट कम्प्लीटेड, क्योंकि हर स्टेट पे हर सिंबल को रिस्पॉन्स करना जरूरी है. वट इफ अगर मुझे स्टार्टिंग में क्या मिल जाता है, बी मिल जाता है, ए के साथ मैंने कर दिया, अगर मुझे बी मिल जाता है, बड़े ध्यान से देखना. तो ये वही पुराने की तरह आई, मुझे वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी ही नहीं है, ठीक है ना, जो मुझे शुरू में ही बी दे दे, तो मैं उसको एक डेड स्टेट की तरफ डाल दूंगी, डैट वुड बी क्यू फोर, ठीक है, और डेड स्टेट अपने आप में ही जो है वो ए और बी को, ओके सर्कल बन गया, ए और बी को क्या करती हो, एक्सेप्ट करती हो, ठीक है. व्हाट इफ क्यू वन पे हूँ, क्यू वन का मतलब है कि मैं ए को एक्सेप्ट करते हुए आई हूँ, अब मुझे लाजमी बी मिलना ही मिलना चाहिए जो कि मुझे फाइनल की तरफ लेकर जाएगा. बट व्हाट इफ मुझे यहाँ पर क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है, तो डेफिनेटली वो स्ट्रिंग भी क्या चली जाएगी, बेकार चली जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पर मुझे इसको भी क्या भिजवा सकती हूँ, मैं यहाँ पर अपनी डेथ स्टेट पे भिजवा सकती हूँ, ठीक है. सिमिलरली क्यू टू पे अगर मैं आ गई हूँ, तो इसका मतलब कि मैं ए को एक्सेप्ट करते हुए आई हूँ और बी को एक्सेप्ट करते हुए आई हूँ, और मुझे दोबारा बी चाहिए अगर मुझे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है जो मुझे फाइनल तक लेकर जाएगा. लेकिन वट इफ अगर मुझे यहाँ पर ए मिल जाता है तो फिर क्या हो, तो ये तो हमारी स्टोरी को ही ख़राब कर रहा है, पूरा सिस्टम ख़राब कर रहा है. तो इसको भी हमें कहाँ पर भिजवाना है, अपनी डेथ स्टेट के ऊपर भिजवाना है. यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है कि आप किस लेबल से होते हुए आ रहे हैं, ठीक है. सो नाउ इट्स कंप्लीट, ठीक है. एक छोटी सी चीज है कि समटाइम्स आपको लेंथ ऑफ कॉस्ट भी पूछ ली जाती है आपके डीएफए की, तो वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये देखें कि आपने जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट की है उसकी लेंथ क्या है, इट्स अ थ्री, ठीक है. सो सम हाउ जो डीएफए आप डीएफए बनाओ, कॉस्ट निकालनी हो, तो स्ट्रिंग डब्ल्यू से जो भी स्टार्ट हो रहा है ना, बताओ कि उसमें कितनी स्टेट्स लगेंगे. उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल इस स्ट्रिंग का डीएफए अगर आप बनाते हो तो उसमें कितनी स्टेट्स लगेंगी, मिनिमल स्टेट्स जो आप जिसमें कंप्लीट कर सको. तो उसका एक फॉर्मूला यहाँ पर आपका एन प्लस टू भी है, ठीक है, यानी कि एन में आपके पास क्या आ गया है, थ्री आ गया है, ठीक है. सो थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, तो ये फाइव स्टेट्स हैं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है. अगर आपको कॉन्सेप्ट मुश्किल लगा है तो डैट्स ओके, हम इसको दोबारा से देख लेंगे. तो ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल थी आप लोगों के लिए, ठीक है. नेक्स्ट अगेन हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स को, एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि मैं कौन सी एग्जाम्पल्स यहाँ पर रिपीट करवा रही हूँ. मैं तमाम एग्जाम्पल्स का टच आपको दे रही हूँ जो कि पॉसिबल हैं कि आ सकते हैं या उससे मिलते जुलते आते होते हैं, ठीक है. अब बट आई एम गोइंग टू फोकस, मैं तीन चीजों पर फोकस करूंगी, बेसिकली चार पे. वो ये कि एक तो ये होगी कि हमें अगर स्टार्टिंग कंडीशन दी हुई है कि मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट कैसे हो, हम उन डीएफएस को डील करेंगे, और किन डीएफएस को हम डील करेंगे जहां पे हमें एंडिंग स्ट्रिंग दी होगी कि भाई एंड इस पे होना चाहिए, शुरू में चाहे जो मर्जी हो, एक इस तरह का इस तरीके के डीएफए को डील करेंगे. और कितने डीएफए को डील करेंगे, हम ये देखेंगे, हम लेंथ पॉसिबली लेंथ, एक मैंने डील किया भी है, दोबारा से हम करेंगे कि लेंथ वाइज हम चेक करेंगे कि कितनी लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, कितने की रिजेक्ट होनी चाहिए, और फिर हम बीच में इन बिटवीन सब स्ट्रिंग्स को भी देख सकते हैं, ठीक है. सो दिस वाज द क्राइटेरिया.